शेयर बाजार पे आज माइनर नेगेटिव ट्रेड्स हो रहे हैं। इनफैक्ट 7500 का जो लेवल इस समय निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस के तौर पे बना लिया इस सीरीज में, उसके नीचे कंफर्टेबली आज पूरे दिन ट्रेड करते हुए नजर आने। फिलहाल जो अभी तक का एक घंटा बीता उसमें 7438 के लेवल्स पे है निफ्टी, ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाए और डिफेंसिव अप्रोच हो गए। आज ITC इंडेक्स का टॉप गेनर है और सन फार्मा, एशियन पेंट्स, वेदांता, हिंडालको ये सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आए। मेटल स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस शो में किस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, कौन से इनफैक्ट आपको बताएंगे कि स्मॉल कैप में पैसा कहां बन सकता है, कौन से स्मॉल कैप से जो यहां से दौड़ सकते हैं, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी महीने में कौन से शेयर्स में खरीदारी करी है, कौन से बिकवाली करी है। देखिए एक पैटर्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट्स पे अगली चाल कौन से स्टॉक्स बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसको समझना इस समय बहुत जरूरी है आपके लिए। इस पे जरूर आपको नजरिया दिलाएगा और साथ ही साथ IPO गोइंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है मार्केट पे। कई IPO कतार पे है और उनका जायजा लिया जाएगा कौन से IPO पे पैसा बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, उस पर बात करते हैं। चलिए एक तो टेक्सटाइल शेयर्स, लबोद्रा टेक्सटाइल, रूपा एंड कंपनी, लक्स इंडस्ट्रीज, दिग्विजय, होजरी शेयर्स, टेक्सटाइल शेयर्स, यहां पर आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। शुरुआत जब बाजार की हुई तो उसी के बाद से ही देख रहे हैं कि इन शेयर्स पे पकड़ मजबूत हो गई। कुछ लो वॉल्यूम शेयर्स भी हैं, लेकिन आप लक्स इंडस्ट्रीज देखिए, लबोद्रा देखिए, यहां पर काफी बीट डाउन हो गए थे दो दिन में, उसके बाद फिर से एकदम से लबोद्रा चल गया और साथ साथ लक्स इंडस्ट्रीज में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कुछ और शेयर्स जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस पॉजिटिव है, उसमें शुगर काउंटर्स फिर से एक्टिव हुए और रिटर्न आज भी 4-9% की कैटेगरी में कई शेयर्स में बनते हुए नजर आए, जैसे कि मवाना शुगर, आंध्रा शुगर, धरानी शुगर जैसे स्टॉक्स। ये पेरिफेरल्स जो नाम पीछे रह गए थे उस पर आज काफी स्ट्रांगली खरीदारी हो गई। श्री रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान में 1.5% तक की तेजी जो है वो बनती हुई नजर आई। जियोमेट्रिक मिड कैप IT स्पेस में दो शेयर, एक तो जियोमेट्रिक और साथ ही साथ NIT टेक्नोलॉजीज, दोनों पे आज ट्रेडर्स का फोकस ज्यादा और जियोमेट्रिक तो मार्च महीने के उच्चतम स्तर पर आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आज ट्रेडर्स ने पैसा बनाया और यहाँ पर अब मोमेंटम अभी लूज नहीं हुआ है, ये आपको बता दो, ये भी ये दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर मोमेंटम और कैरी होता हुआ नजर आए। और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ और शेयर जैसे कि रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, ISB इंडस्ट्री, श्रीनजन कंपनी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ट्रेडर्स पॉजिटिव है। उषा मार्टिन में भी आज पैसा बना, 10% तक की छलांग इस स्टॉक ने लगा दी। श्रीनजन कंपनी ये एक अट्रैक्टिव प्ले, हालांकि यहाँ पर भी वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा है नहीं। जो गिरे आज के सत्र में उसमें मैग्मा फिनकॉप, KEC इंटरनेशनल, मार्क्सन्स, कैस्टेक टेक्नोलॉजीज शामिल है। KEC इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल बाजार बंद होते होते यहां पर काफी स्ट्रांगली खरीदारी हुई थी और आज वो खरीदारी ऊपरी स्तरों पर डाइल्यूट हो गई, 118 के जोन पे कामकाज कर रहा है। कुणाल बोथरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी बहुत शुक्रिया अपने समय Zee Business को देने के लिए। सर सबसे पहले तो इंडेक्स पर अप्रोच बताएं, ये फेड पॉलिसी से पहले एकदम से हम देख रहे हैं 7500 के लेवल पे आके बाजार रुकता चला जा रहा है, ये ब्रेकआउट होगा क्या पॉजिटिव साइड पे या फिर अभी और नेगेटिव प्ले होगा, होगा भी तो कहां तक का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है लास्ट फेब मंथ से एक बहुत सिवियर स्ट्रिक ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है जो इंडियन मार्केट्स फेस कर रहे हैं। अगर हम काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट देखें तो डाउ जोन्स फॉर एग्जांपल अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सारे अदर इंडाइसेज है ग्लोबल इंडाइसेज जो अपने लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास आ गए हैं। इंडिया की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो जो 200 मूविंग एवरेज है वो फिलहाल 7900 के आसपास है, तो देर इज एन अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ऑलमोस्ट 4-5% ऑन निफ्टी अगर हम करंट लेवल से बात करें तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं कि एक कैचअप प्ले डेफिनेटली होगा शायद आने वाले कुछ एक हफ्तों में। जो हम लास्ट 7 या 8 डे से देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन है 7400 and 7600 के रेंज में। इंटरनल्स की बात करें, अगर हम सेक्टोरल स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है अदर देन फार्मा जिसमें एक सिवियर सेट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस देखा है। बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है लास्ट 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन है विद द मार्केट्स आर ट्राइंग टू बेट ऑन सम अदर सेक्टर्स और सम अदर सेक्टर्स विच आर लगाज टू गेन स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन को बाय करना चाहिए, 7400 का एक सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर 20-30 पॉइंट्स और डिप करें निफ्टी तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। राइट, लेकिन कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं इन हाउस रिसर्च टीम से। सुमित, ट्रैक रहा है अब तक जो भी स्टॉक्स शो में रिकमेंड किए गए हैं उसमें जबरदस्त चाल बनी और सुबह से हमारे स्टॉक्स वैसे भी बूम पर कमाई हो रही है, अभी अभी का कौन सा स्टॉक?
शुक्रिया रजत जोशी, और अभी के लिए चुना गया स्मॉल कैप रडार में वो है पहला नाम जो है वो है लवेबल कम कंपनी। होजरी कारोबार के अंदर है, एक अच्छे नंबर्स कंपनी पिछले तिमाही के अंदर दिए थे। चाहे आय फ्रंट पर देखें तो करीब करीब 13% का उछाल देखने को मिला वाई बेसिस पर। कॉटन ये प्राइसेस का गिरना कंपनी के लिए सकारात्मक से मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ा, वही एक पहला ट्रिगर है इसके आधार पर इसको चुना गया है। दूसरा ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब करीब 36% के आसपास का एक सुधार वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिसेंटली फंड एक्टिविटी काफ़ी बड़ी है, रिलायंस कैपिटल ने कंपनी करीब करीब 7 लाख शेयर खरीदे हैं और इंडिकेट करता है कि जो फंड बाइंग है वो आगे भी हो सकता है कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़े और शायद प्रिवेल भी करे गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा कंपनी अपने हायर लेवल से करीब 35% के आसपास टूट चुका है और इसी की वजह से शायद वैल्यू भी काफ़ी साउंड हो चुकी है। 12.5 रुपये के आसपास की ईपीएस और 18 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 30 से 33 के मल्टीपल पर कामकाज करता है। इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए सादिफ की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है और उनको 255 रुपये तक के टारगेट्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए लवेबल पहला स्टॉक है और वैसे भी आज जो कंपनी है टेक्सटाइल उससे जुड़ी हुई यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, 3.5% का रिटर्न है, 339 के लेवल्स को अब टेस्ट कर रहा है, जोरदार छलांग लगा दिया। ऐसे एक और स्टॉक बताएं सुमित। दूसरा शेयर जो चुना गया है वो मेटल एंड माइनिंग स्पेस से है, जीएमडीसी को चुना है। जीएमडीसी को चुनने की वजह एक तो वैल्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वजह से इसको लिया गया है। बहुत हायर लेवल से टूट चुका है शेयर, करीब करीब 60% अपने हायर लेवल से शेयर नीचे आ चुका है और इसीलिए एक अच्छी वैल्यू बाय बन चुका है अब खरीदारी के लिए। दूसरा करीब बुक वैल्यू से भी 44% नीचे कामकाज कर रहा है। रिसेंटली जिस तरह कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं, जिस तरह कंपनी नंबर्स पोस्ट कर रही है उसके आधार पर डिविडेंड पे ऑफ्स भी काफ़ी साउंड है। डिविडेंड यील्ड करीब 5 से 5.5% के आसपास है, यानी कि एक साल के अंदर 5 से 5.5% का ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न तो यहाँ पर देगा ही देगा। साथ ही साथ अपनी मौजूदा ईपीएस की अगर के ऊपर नजर डाला 13.5 रुपए के आसपास की ईपीएस और महज 4 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, तो मेटल स्पेस में भी वैल्यू बाय ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन एक अच्छे वैल्यू बाय के बतौर देखा जा सकता है। और इन्हीं सब ग्राउंड पे एमके की तरफ से होल्ड रेटिंग है 97 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया ये दोनों शेयर्स बताने के लिए। और जीएमडीसी बता दूं ये बहुत अट्रैक्टिव प्ले, आज मेटल स्टॉक्स नेगेटिव है लेकिन जीएमडीसी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ और इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया 2.5% के आसपास की तेजी। दोनों शेयर्स आपने बताया दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जीएमडीसी 2.5% तेज और साथ ही साथ लवेबल 3.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कुणाल जी आपके रडार पर कौन से शेयर्स हैं, दो शेयर्स बताएं। जी हाँ, पहला स्टॉक जो मुझे लगता है स्मॉल कैप रडार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन चार्ट पैटर्न्स है वो बोडल केमिकल का चार्ट है। 62 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने लॉन्गर टर्म चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो एक बहुत ही क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न है, वॉल्यूम काफ़ी अग्रेसिव बिल्टअप हुए लास्ट कुछ एक महीनों में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बात करें तो 65 का टारगेट रहेगा इस पे। शेयर रिपीट कीजिए सर, कौन से शेयर के बारे में? बोडल केमिकल। ओके राइट, बोडल केमिकल में मानते तेजी बन सकते हैं। राइट सर, कहां तक के टारगेट्स अप्रोच कर सकते हैं? करेक्ट, तो इंट्राडे टारगेट इसमें 65 का रहेगा और स्टॉप लॉस 60 का रहेगा। जो सेकंड स्टॉक है जो मुझे लगता है स्मॉल कैप के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न से वो है केसीपी। 75-76 के आसपास अभी फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, वॉल्यूम्स कल से ऑलरेडी हायर हो चुके हैं, तो एक बाइंग हो रही है विद गुड वॉल्यूम्स बीइंग बैक्ड अप, सो मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। 78 का इसमें इंट्राडे टारगेट रहेगा, 73 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस पे। राइट ठीक है, लेकिन जो मैंने बाजार को इनफैक्ट शो शुरू होने से पहले एक बात की थी, रुकिए मैं उस बात को पूरा करता हूँ। पहले तो स्टॉक ऑफ द डे जो स्क्रीन के बॉटम पे है, ये स्टॉक आपको बाजार खुलने से पहले बताया गया था लेकिन अभी 15% के आसपास चल चुका है, वो है इंडिया ग्लाइकोल्स, दिन के उच्चतम स्तर पे और 15-16% की कमाई आपकी इंट्राडे बेसिस पे होती हुई नजर आई, अब 85 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। संदीप मेरे सहयोगी अब मौजूद है। संदीप, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ने खरीदा क्या बेचा क्या ये बताया फरवरी महीने में, और कुछ ट्रेडिंग पैटर्न निकल के आ रहा है, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स चेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड या कहां पर अवॉइड कर रहे हैं? बिल्कुल रजत, हमने एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करी है कि सभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी ओर से कहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सब म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी या तो फिर बिकवाली के लिए इसमें शामिल है। सबसे पहले खरीदारी की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक्स पे अगर आप देखें तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने दाव लगाया फरवरी के महीने में, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, ये दो टॉप ट्रेड्स हैं जो कि सभी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट जो पोर्टफोलियो उनमें शुमार हुए हैं जिसमें खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा फरवरी महीने में डिफेंसिव काउंटर्स पर काफी ज्यादा फोकस था, पावर स्पेस में NTPC जो कि दिग्गज है, और उसके अलावा ITC बजट के बाद यहाँ पे कुछ जो खरीदारी रुझान है बजट से पहले इस काउंटर में देखने को मिले हैं, तो
डिफेंसिव में एनटीपीसी और आईटीसी ये म्यूचुअल फंड की पसंद रहा है फरवरी महीने में। इसके अलावा एक जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है जिसमें ऊपर के स्तरों से काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला था, टीम लिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, उस काउंटर में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की ओर से लोअर लेवल से काफी अच्छा जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिला है। तो एक प्राइवेट बैंक, डिफेंसिव और साथ ही साथ जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है टीम लिस्ट, उसमें म्यूचुअल फंड की ओर से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। जहां तक बिकवाली की बात है तो जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनमें ज्यादा बिकवाली का रुझान फरवरी महीने में देखने को मिला है। तो टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, इसमें एक तो बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा मारुति जिसमें हमने 4800 के आसपास के हाईस देखे थे वहां से करेक्ट होकर 3200 तक के जोन तक आया था, म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी महीने में मारुति में जमकर बिकवाली करी है। इसके अलावा रिलायंस दिग्गज ऑयल एंड गैस प्ले है, इसमें बिकवाली देखने को मिली, और साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट मेजर है इसमें भी अब म्यूचुअल फंड की ओर से बिकवाली देखने को मिली है। तो खरीदारी में बैंक्स के ऊपर फोकस है, डिफेंसिव पर फोकस है, और बिकवाली करने में जो दिग्गज आईटी कंपनीज और साथ ही साथ ऑटो पैक में मारुति और साथ ही साथ रिलायंस और अल्ट्राटेक ये बिकवाली की लिस्ट में शामिल है। राइट, बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। इनफैक्ट कुणाल, आपका एक छोटा सा कमेंट, निजी क्षेत्र की अगर बैंक खरीदनी हो तो क्या खरीदे सर? जी यू नो मेरे अनुमान से आई थिंक एक यू नो बैंकिंग स्टॉक्स में यू नो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स तो कहीं पे यू नो ऐसा नहीं बन रहा है। बट यू नो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की यू नो बात करें तो येस बैंक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, इंडसइंड बैंक अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो आई थिंक अगर एक प्राइवेट सेक्टर नेम्स में अगर हम कुछ एक स्टॉक्स जो यू नो बाई साइड में ट्रैक करें तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स मोमेंटम वाइज एज वेल एज ट्रेंड वाइज काफ़ी बेटर लग रहे हैं हमें। राइट, और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स मैं आपको बता दूं जहां पर आज जोरदार हलचल है, और ये सभी स्टॉक्स जो है वो आज आपको बताए गए थे जी बिजनेस पे जहां पर आज जोरदार तेजी बनती हुई नजर। सबसे पहले इंडिया ग्लाइकोल्स 15% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पे, टारगेट था 84 लेकिन अब टारगेट को ओवरशूट कर गया और अब 88 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। जी आई पी सी एल गुजरात इंडस्ट्रियल पार, यहां पर आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला और इस स्टॉक पे भी 8.5% का रिटर्न मिल गया, लेकिन ये इंट्राडे बेसिस 85 के जोन्स को छू चुका है, काफी स्ट्रॉन्गली मोमेंटम ये स्टॉक आते हुए। लवेबल थोड़ी देर पहले भी सुमित जिक्र कर रहे थे, वो 239 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं, एक अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बनती हुई नजर आई। और जीएमडीसी भी थोड़ी देर पहले सुमित ने बताया था कि स्टॉक तेज होगा और ये हुआ भी, अब 3.5% ऊपर 65.95 के स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आईपीओ मार्केट, अब बाजार पे जो नेक्स्ट बड़ा मूव आएगा वो आईपीओ मार्केट्स में ही आएगा, क्योंकि अब एकदम से काफी ऐसी कंपनी है जो कतार में आ गई। एक तो आईपीओ आज ही खुला है और ये इनफैक्ट देश में कैंसर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी का, हेल्थ केयर ग्लोबल का आज आईपीओ खुला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 205 से 218 रुपए प्रति शेयर रखा गया और इससे 18 मार्च तक ये पर्टिकुलर आईपीओ खुला रहेगा जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इश्यू के जरिए 650 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की और ये आईपीओ 18 मार्च तक खुला रहेगा। 170 करोड़ का कर्ज भुगतान करेंगे कंपनी और रेस्ट तो वो जो रकम होगी वो विस्तार योजनाओं पर खर्च होगा। लेकिन इनफैक्ट यहां पर सिर्फ यही आईपीओ नहीं है, 18 मार्च को भारत वायर रोप्स का, उसके अलावा 16 मार्च को खेमानी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्फीबीम का आईपीओ, ये आईपीओ जो है ये 21 मार्च को खुलेगा। एससीजी का जो आईपीओ है उसको जीपीएल कैपिटल ने थम्स डाउन की रेटिंग दी है, यानी कि वो अट्रैक्टिव नहीं समझते, महंगा, एसएमसी ग्लोबल भी यही मान रहा है। एससीजी जो आज का आईपीओ खुला है और साथ ही साथ एक और ब्रोकिंग हाउस की आपको अगर राय दें तो हेम सिक्योरिटीज भी मानता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना फिलहाल थोड़ा रिचली वैल्यूड है, तो हो सकता है कि इस बाजार में जो अभी फिलहाल जो माहौल है उसमें ये हिट साबित ना हो। लेकिन कर्ज भुगतान करेगी, रेस्ट ऑफ द जो रकम है वो कैपिटल एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो ऑब्वियसली एक तो डेट इक्विटी रेशियो सुधरेगा और दूसरा कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक बड़ा ट्रिगर है। हेल्थ केयर स्टॉक्स हालांकि ऊपरी स्तरों पर पिछले कुछ दिनों में फिसलते हुए नजर आए हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा पर्टिकुलर आईपीओ पे देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसे आते हैं। लेकिन इन्फीबीम जो मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ है वो 21 मार्च को खुलेगा, 23 मार्च तक खुला रहेगा और 360 से 432 रुपए का प्राइस बैंड यहां पर तय हुआ है। 450 करोड़ का इशू 23 मार्च को बंद होगा, 21 मार्च को खुलेगा। ये एक मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ है। सीधा सुनते हैं मैनेजमेंट, विशाल मेहता साहब एमडी इन्फीबीम के, इनका क्या कहना है इस आईपीओ को लेकर। तो टोटल आईपीओ का साइज है 450 करोड़, 450 करोड़ है, ऑल 450 करोड़ इज प्राइमरी। ये आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोई सेल नहीं कर रहे। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू आर थ्री फोल्ड। 230 करोड़ यानी 230 करोड़ ऑड इज गोइंग इन टू बिल्डिंग आउट क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर। वी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मर्चेंट्स, जो स्टोर ओनर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, दे कैन बिल्ड देयर ओन ऑनलाइन स्टोर्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। सो वी एक्चुअली प्रोवाइड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी आर एसेंशियली गोइंग एंड बिल्डिंग आउट अ डेटा सेंटर दैट कैन प्रोवाइड एस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अलाउिंग मोर एंड मोर मर्चेंट्स टू जॉइन अस। करीब 37.5 करोड़, साढ़े
30 crore is going into building out last mile logistics centers. So we are growing from 12 logistics centers or 75 additional expand kar rahe. So about 37.5 crores goes into that. And then about 65 crores goes into software development and acquisition. Usme we are building out a mobile ad framework. So jo merchants hamare platform pe apna khud ka web store, or consumer opportunities build out karte hain, unke liye we offer an opportunity where they can advertise across other merchants on our store in a non-competing way. It becomes an opportunity for us to be able to go and allow more consumption for our users. In fact, e-commerce pe ab kahin na kahin focus zyada hai company ka, ye sunte uske bare mein kya ka management? All the challenges we have materially disclosed in the RHP. But if you look at the e-commerce framework in the last few years, there are about 35 million consumers who shop online, according to the latest Technopak report as of 2015. Aur ye jo 35 million customers hai, that is expected to expand to 180 million by 2020 in the next 5 years. चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है इस पर्टिकुलर आईपीओ को, लेकिन जोरदार हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी आईपीओ मार्केट पे गोइंग फॉरवर्ड। फिलहाल बाजार पे सुस्ती है, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आज बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, एक और चार्ट देख लीजिए, गुजरात सिद्धी सीमेंट, ये भी दिन के चौथम सर पे 8.5% की कमाई इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिली और दिन के चौथम सर पे कामकाज कर रहे। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए।